धमतरी को विकसित और समृद्ध बनाने को लेकर सांसद प्रतिनिधि उमेश साहू से संवाददाता रूपेश साहू ने खास बातचीत की। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में लगातार सक्रिय सांसद प्रतिनिधि उमेश साहू शिक्षा, संस्कार और रोजगार के लिए कार्य कर रहे हैं। उमेश साहू भाजपा से सांसद प्रतिनिधि हैं, 18 सालों से भाजपा से राजनीति में सक्रिय रहकर अपना दायित्व निभा रहे हैं। नमस्कार, मैं रूपेश साहू और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। हम आज आपको ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका एक ही लक्ष्य है, युवाओं को लेकर के शिक्षा, रोजगार और संस्कार। ये तीन चीज ऐसे हैं जिनको लेकर के अगर व्यक्ति आगे बढ़े तो उनको कोई भी चीज पाने के लिए कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये कहा भी जाता है। हम ऐसे व्यक्ति से रूबरू करा रहे हैं जिनका नाम है उमेश साहू जी, वर्तमान में सांसद प्रतिनिधि हैं और राजिन भक्ति करवा माता के सदस्य हैं। बहुत बहुत स्वागत। जानना चाहेंगे कि आप जो है बताते हैं शिक्षा, संस्कार और रोजगार कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, किसी भी देश की तरक्की की जब बात आती है, या चाहे देश की तरक्की की बात हो, अपने राज्य की तरक्की की बात हो, गांव की तरक्की की बात हो, या परिवार की तरक्की की बात हो, तो ये तरक्की करने में सबसे महत्वपूर्ण विषय जो होता है वो शिक्षा होता है। और शिक्षा ऐसी शिक्षा जो शिक्षा हमको रोजगार दे सके, मतलब ऐसा नहीं कि शिक्षा का उद्देश्य, जैसे ज़्यादातर बच्चों के मन में होता है कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, इस सोच से कैसे हमारे बच्चे उभरें और शिक्षा का मतलब वो सिर्फ ज्ञान अर्जन हो, तो ऐसे शिक्षा पद्धति हम बच्चों को दें जिससे आसानी से उनको रोजगार उपलब्ध हो जाए। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ होता है संस्कार, क्योंकि हम भारत भूमि के वासी हैं और भारत भूमि अध्यात्म की भूमि है, और हमने अपने इतिहास में भी देखा है कि कितने कष्ट सहे हैं हमारे पुरखों ने, कि कितना बड़ा भूभाग हमारा भारतवर्ष था और कैसे कैसे आक्रांता यहाँ पर आए और कैसे हमारे भारत के टुकड़े करके आज ऐसा छोटा भूभाग बना दिए हैं। तो एक समय हमारा भारत गुलाम था, आज हम आज़ाद हुए हैं। तो हमारे बच्चों को ये संस्कार भी देना जरूरी है कि आज हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना हम कैसे करेंगे। तो निश्चित रूप से संस्कार परक शिक्षा अगर हम हमारे बच्चों को देते हैं तो वो संस्कारित भी होंगे और रोजगारशुदा भी होंगे। तो इस विषय पर मैं लगातार काम करने का प्रयास करते रहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी जो है युवाओं के स्वप्न दृष्टा प्रेरणा दायक स्रोत है, और जिस हिसाब से उनका नारा है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, लेकिन आज वर्तमान में अगर देखा जाए धमतरी ही नहीं अभी तो प्रदेश विश्व में जो युवा है, युवा आज नशे की गिरफ्त में है, गांजा, गोली, शराब, जुआ, इन सारी चीजों में उनका एक रोल देखा जाता है। तो कैसे देखते हैं आप युवाओं के भविष्य को? मैंने जैसे कि आपको पहले ही कहा कि तीन विषय पर मैं रखता हूँ अपना, शिक्षा, रोजगार और संस्कार। तो तीसरा जो हमारा विषय है संस्कार, हमारे बच्चे अगर संस्कारित होंगे, उनके अंदर अगर संस्कार पड़ेगा तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन में आने वाले जो भी विसंगति है, जैसे नशा पान एक बहुत बड़ी विसंगति है, तो संस्कारी अगर बच्चे होंगे तो नशा पान के क्षेत्र में कभी नहीं जाएंगे, वो अपनी संगति भी ऐसे लोगों से नहीं करेंगे। एक संस्कारवान बच्चा एक गैर संस्कारवान बच्चे के साथ वैसे ही दोस्ती रखना नहीं चाहता है, तो संस्कार बहुत आवश्यक है, इसलिए हम संस्कार के क्षेत्र में काम करते हैं। बताएंगे धमतरी को आप किस प्रकार से देखते हैं, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीति की दृष्टि से अगर धमतरी का इतिहास अगर हम जानना चाहें तो प्राचीन और वर्तमान को आप कैसे देखें? धमतरी नाम से ही है, धमतरी मतलब धर्म से तरी, धर्म से पूरा तरी हुई ये धमतरी है। और इसकी अगर हम इतिहास को देखते हैं तो यहाँ महात्मा गांधी जैसे हमारे महापुरुष का आगमन हुआ है। धमतरी हमारा जो आज नगर निगम है ये बहुत पुरानी नगर निगम है, और धमतरी में कई ऐसे इतिहास हैं। अगर हम कई हजार बरस पूर्व के इतिहास में अगर हम जाते हैं तो यहाँ सप्तऋषियों का दर्शन है, जिन कई हजारों हजार वर्ष पूर्व हम जाते हैं तो सप्तऋषियों का दर्शन है धमतरी में। महानदी का उद्गम स्थल है धमतरी, ऐसे ही राजिम भक्तिन का इतिहास हमारे बॉर्डर में पड़ा हुआ है, वैसे ही यहाँ का जो गंगरेल बांध है
ये तो गंगरेल बांध से पहले एशिया महाद्वीप का सबसे पहला साइफन डैम भी यहाँ पर है। इसके अलावा कई ऐसे, चूंकि ये जंगल से भी सटा हुआ हमारा क्षेत्र है, इधर नगरी का जंगल स्टार्ट हो जाते, तो ऐसे कई यहाँ पर हमको एक बहुत रोमांच करने वाला दृश्य जो है यहाँ पर मिलता है। और ऐतिहासिक रूप से भी अगर देखें तो यहाँ का जो साल की लकड़ी है वो पूरे विश्व विख्यात, विश्व प्रसिद्ध साल की लकड़ी है। तो ऐसे अद्भुत समागम को लेकर के हमारा धमतरी है। महत्वपूर्ण सवाल, वर्तमान में चुनाव भी आने वाले हैं, विधानसभा 2023 के चुनाव होने वाले हैं, धमतरी की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, धमतरी की राजनीति ऐसा है कि हमारे साथ तो अभी जो हम देख रहे हैं हम सब, वो ऐसा है कि जब सरकार रहता है तो हमारे विधायक नहीं रहते। अक्सर ऐसा आ रहा है, जैसे कि जब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी तो यहाँ विधायक कांग्रेस से था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं तो सरकार कांग्रेस का है। तो इस तरीके से इसके कारण में विकास में थोड़ा अंतर आता है। कम से कम बोलचाल में लोग बोलते हैं कि इसके कारण में विकास नहीं हो पाता, जबकि मुझे लगता है कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं तो विकास के क्षेत्र में जो हमारे पुराने मुद्दे हैं, नया मुद्दा तलाशने का जरूरत नहीं है, पुराने मुद्दे को ही अगर हम 30% में अगर काम करने में सफल हो जाते हैं तो मैं समझता हूं वो एक सफल नेतृत्वकर्ता होगा। बहुत बढ़िया बात कही आपने। जब जब छत्तीसगढ़ में सरकार आई, सत्ता आई, लेकिन विपक्ष के विधायक धमतरी ने पाया है, तो आखिर ये क्यों, ऐसा क्यों हो जाता है? आप कैसे देखते हैं इसको, एनालिसिस कैसे करें? अब ये तो ऐसा है कि जनता के ऊपर है कि किस मूड से वो वोट कर रहा है। कि जैसे अभी के चुनाव की अगर हम बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ के भीतर जो एक दृश्य रहा कि जिस भी तरीके से जनता ने जिस भी विषय को लेकर के अपना ध्यान थोड़ा सा कांग्रेस की ओर ले लिया कि चलो 15 साल हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखें, और इस बार जैसे किसानों का विषय था तो लगभग लोगों ने भरोसा किया कांग्रेस के ऊपर कि एक बार कांग्रेस को मौका दे करके देखते हैं, और कांग्रेस को मौका दिया। अब आने वाला जो चुनाव है उसमें वो जनता एक बार फिर से परिणाम दिखाएगी कि 15 साल के सरकार में कैसा विकास हुआ, कैसा क्या रहा, और इन 5 साल अभी कांग्रेस के सरकार में कैसा क्या विकास हुआ, लोगों के बारे में क्या सोचा। तो फिर से परिणाम जनता दिखाने वाली है, और निश्चित रूप से आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिससे लोग नाराज हैं। सवाल ये है कि वर्तमान जो है 2023 की चुनाव होने वाली है, आपकी भी दावेदारी जो है विधानसभा चुनाव के लिए देखी गई है, आप क्या कहना है आपका चुनाव को लेकर के, दावेदारी को लेकर? दावेदारी को लेकर ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, और हमारे पार्टी का एक नियम है कि जो है पार्टी जो दायित्व देती है तो उसका निष्ठापूर्वक हम निर्वहन करते हैं। जैसे कि राजनीति में मुझे लगभग 18 वर्ष हो गए, छत्तीसगढ़ का एक बहुत छोटा सरपंच से मैं अपने छोटे से गांव बोरित खुर्द से राजनीति की शुरुआत किया, और लगातार मैं यहां पर एक कार्यालय खोल करके लगातार लोगों की सेवा में लगे रहता हूं। चाहे मेरे पास कोई पद रहे या ना रहे, मैं 16 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध रहता हूं, और ये जीवन पर्यंत ऐसा करते रहूंगा। सत्ता पाना ही मेरा लक्ष्य नहीं है, सेवा मेरा मुख्य लक्ष्य है। धमतरी की विकास को लेकर के आप बात कर रहे थे कुछ समय पहले आम चर्चा में, तो उसको थोड़ा सा बताएंगे किस प्रकार से धमतरी का विकास हो सकता है। देखिए, धमतरी की विकास की अगर बात आती है, कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि अगर आप कभी नेतृत्व करेंगे तो धमतरी का कैसा विकास आप चाहेंगे, तो इसमें मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि धमतरी के विकास के लिए नया कार्य योजना बनाने की जरूरत नहीं है। जो सपने हमारे पुराने लोगों ने देखे हैं, उस सपनों को अगर 30% हम पूरा करने में अगर सफल हो गए तो निश्चित रूप से नया कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं बताऊं कि यहाँ हमारा गोकुल नगर का विषय रुका हुआ है, ट्रक एसोसिएशन के लिए वहाँ विषय रुका हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई विषय रुका हुआ है। आज हमारे पास बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, मतलब ऐसा कोई सरकारी हमारे पास योजना नहीं है जहां पर एक हॉल के भीतर हम 1000 लोगों को बैठा करके एक बढ़िया कार्यक्रम कर लें, ऐसी कोई योजना नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे विषय, हमारा बस स्टैंड का विषय रुका हुआ है, तो नया कोई सोचने का जरूरत नहीं है। इन्हीं पुरानी योजनाओं को ही अगर हम पूरा करने में सफल हो जाते हैं तो बड़ा सौभाग्य होगा, नया कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बेहतर स्वास्थ्य जो है जीवन का एक अमूल्य आभूषण माना जाता है, और इसको आप कैसे देखते हैं? धमतरी में चिकित्सा का क्षेत्र जो है कैसे देखते हैं,
डॉक्टर जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम होते जा रहा है और धमतरी में हॉस्पिटलों की प्राइवेट हॉस्पिटलों की बाढ़ आ रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे है कि ये बात सही है कि धमतरी में भी निजी चिकित्सालय जो हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि होने के नाते जब भी मैं सरकारी बैठकों में जाता हूं तो मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार, जैसे पिछले बैठक में भी मैंने मुद्दे उठाए थे कि कई बार ऐसी घटनाएं निजी अस्पतालों में होती रहती हैं, तो हमारा जिला अस्पताल जो है जिनके मार्गदर्शन में सब चलते रहते हैं, जिनकी देख रेख में, तो क्या आप भूमिका निभाते हैं कि वहाँ जो घटना होती है उन पर संज्ञान लेते हैं नहीं लेते, बीच बीच में उनका निरीक्षण करते हैं नहीं करते हैं, कि वो अवैध कई लंबी लंबी राशियां भी वो लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं संचालित थी और आज कांग्रेस के सरकार में देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी योजना को घटा दिए हैं। एक सामान्य से बात है, हमारे पास हर दिन ये समस्या आते रहते हैं, प्रसव के लिए जब महिलाएं जाती हैं, माताएं जाती हैं, तो आज निजी अस्पताल में जाने से हमारे पास जो योजना था कि उनको फ्री में प्रसव हो जाता था, ऑपरेशन भी होता था तो फ्री में हो जाता था, आज फ्री में नहीं हो रहा है, 40,000-45,000 लोगों का जेब ढीला करना पड़ रहा है, ये स्थिति है आज। शिक्षा के क्षेत्र में धमतरी जो है राइजिंग की ओर है, बढ़ते हुए धमतरी जो है शिक्षा को दर्शाता है, जिस हिसाब से कई जो है IAS IPS धमतरी से निकले हैं PSC को लेकर के, और UPSC टॉपर भी धमतरी से रहे हैं आप जानते हैं, और नीट की अगर बात किया जाए आपके MBBS डॉक्टरों की, तो जो लड़कियां हैं वो काफ़ी आगे मेडिकल साइंस में आगे बढ़ चुकी हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? ये हमारे लिए, धमतरी जिले के लिए सौभाग्य का विषय है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे आगे हैं और खासकर हमारी बच्चियां जो हैं वो आगे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और यहाँ पर जैसे केंद्रीय विद्यालय के मामले में भी देखें तो हमारा ये अच्छा जिला है कि धमतरी में भी केंद्रीय विद्यालय है और कुरुद में भी केंद्रीय विद्यालय, इसके अलावा और भी स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स हैं, और सरस्वती शिशु मंदिर का भी परिणाम जो है हमारे जिले में काफ़ी बेहतर रहता है, क्योंकि कई IAS में जो सिलेक्शन हुए हैं बच्चे वो सरस्वती शिशु मंदिर से भी हैं, तो स्वास्थ्य पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा। प्रदेश की जो राजनीति है और प्रदेश की सरकार की जो काम है उसके 4.5 साल के कार्यकाल है, उनके विभिन्न योजनाओं को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार अभी 4.5 साल में, उनके पास जो योजनाएं हैं, कोई नया योजना तो उनके पास है नहीं कि हम ये बता सके कि भाई कांग्रेस की सरकार में नया योजना लाए जो इन 15 साल के भाजपा की सरकार ने कभी नहीं लाई, ऐसा तो कोई योजना उनके पास है नहीं, वो एक ही पूरे जहां भी विश्व में कहीं भी चले जाएंगे एक ही योजना को लेकर के चलते हैं, नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, जबकि नरवा गरवा गुरवा बाड़ी में उनके पास योजना फंड ही नहीं है। मतलब मैं तो आज आप न्यूज चैनल के माध्यम से आज भूपेश, माननीय भूपेश सरकार जी को ये बोलना चाहूंगा कि ऐसी कोई अगर उनके पास फंड और योजना है तो हमको बता दे। नरवा के विषय में, बल्कि इन चारों विषयों में हमारी भाजपा की सरकार में बहुत सारे विषय थे, हमने बहुत नरवा पर काम किया, गुरुआ पर काम किया, गोठान पर हमने काम किया, बाड़ियों पर बहुत सारे हमने किसानों के लिए काम किया, इस सरकार में तो फंड ही नहीं है, तो योजना तो छोड़ ही दो। नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यकाल है 9 साल बेमिसाल के तौर पे भारतीय जनता पार्टी मना रही है, कैसे देखते हैं आप 9 साल के कार्यकाल को, क्या उपलब्धि रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए और अभी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार उनकी रोड मैप डेवलप को लेके क्या है? देखिए, 9 साल बेमिसाल जो है वो निश्चित रूप से 9 साल काफी बेमिसाल रहा है। एक समय था, आप देखेंगे कि जब आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अमेरिका ने उनका वीजा बंद कर दिया था, उनको आने जाने पर रोक लगा दिया था। सोचिए, आज वही अमेरिका ये चाहता है कि बार बार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी उनके यहाँ आए, सिर्फ अमेरिका नहीं, आज पूरे विश्व में हमारे भारत की ख्याति ऐसे फैली हुई है कि लोग आज मोदी जी हमारे जाते हैं विश्व में कहीं भी तो उनका इतना मान होता है, इतना सम्मान होता है, भारत गौरवान्वित हो रहा है, इससे बड़ा और क्या विषय चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में आज कई जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का उनके द्वारा प्रयास हो रहा है। सोचिए, अभी इतना बड़ा कोविड महामारी था पूरे विश्व में, तो इतनी बड़ी महामारी को लड़ने में भारत सक्षम हुआ, और सिर्फ भारत में ही नहीं, अन्य देशों के मान पर भी भारत ने जीवन दान देने के लिए वैक्सीन देने का सोचा। तो एक भारत के पास अपना जो संस्कार है,
जैसे संस्कार के मामले में अगर हम लोग हमारे संस्कृति को अगर देखें तो इतना कई वर्षों तक राम मंदिर का विषय चल रहा था, आज वो विषय समाप्त हो गया। तो संस्कृति को लेकर के, धार्मिक आस्थाओं को लेकर के, पूरे विश्व के अंदर भारत को गौरवान्वित करने वाला विषय को लेकर के लगातार काम हो रहा है। धन्यवाद उमेश जी। आप थे उमेश साहू जी, जो वर्तमान सांसद प्रतिनिधि हैं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के। आप बता रहे थे कि धमतरी जो है धर्म की नगरी है और धार्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक बातों पर धमतरी की चर्चा, वही केंद्र सरकार के 9 साल और कांग्रेस के प्रदेश सरकार के 4.5 साल के बारे में आपसे बातचीत हो रही थी। दुर्गेश साहू कैमरा पर्सन के साथ, रूपेश साहू, साधना न्यूज, धमतरी।